मेरे राजनीति में आने से पहले प्रियंका को वहां होना चाहिए, उनकी जगह पार्लियामेंट में है। जरूर उनमें इंदिरा जी का वही देखते हैं, इंदिरा जी जैसे उनको लगता है। पार्टी थोड़ा ध्यान दे कि उनको प्रचार के लिए खाली ना इस्तेमाल किया जाए, उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। वो हर जगह पहुंच जाती हैं, जो भी मतलब कि मुश्किल में है, चाहे आप उनको आप किसी कमरे में बंद कर दो कोविड के टाइम पर, वो भी वहाँ उसको सफाई वगैरह में लगे रहते हैं। पर मैं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, क्योंकि SPG हटा दिए और जो भी उनको सिक्योरिटी दी गई है तो, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हटा दी थी, जो भी तौर तरीके इस BJP की सरकार ने इस्तेमाल की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार राजनीति में सक्रिय होकर विपक्षियों को तगड़ा झटका देने में लगी हुई है, लेकिन इस बीच उनके बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा ने उनकी राजनीति को लेकर ऐसी बात कह दी कि कांग्रेस पार्टी को बुरी लग सकती है। मीडिया से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस प्रियंका गांधी का सिर्फ प्रचार में प्रयोग ना करे, उनका स्थान लोकसभा में है। वो हर जगह पहुंच जाती हैं, जो भी मतलब कि मुश्किल में है, चाहे आप उनको आप किसी कमरे में बंद कर दो कोविड के टाइम पर, वो भी वहां उसको सफाई वगैरह में लगे रहते हैं और बिल्कुल आदर से बात करते हैं सबसे। पर जरूर जो अत्याचार अगर उनके भाई पे या सोनिया जी को ED के पास भेजा जाएगा, उनकी उम्र है, उनकी तबीयत खराब थी, फिर वो जरूर भड़केंगे या बोलेंगे। प्लस आप देखते हैं उनके प्रचार कैसे हैं। मेरे बच्चे और मैं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, क्योंकि SPG हटा दिए और जो भी उनको सिक्योरिटी दी गई है तो, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हटा दी थी, जो भी तौर तरीके इस BJP की सरकार ने इस्तेमाल की, मुझे उस पर चिंतित है। पर मुझे पता है प्रियंका अपने फादर जैसी हैं, वो लोगों के बीच में रहेंगी, मुस्कराती रहेंगी, निडर हैं, वो मेहनती हैं। तो जब आपने देखा अपने रोड शो में जितनी प्रचार करते हैं, जितनी उनके भाषण हैं, सबको लेके चलती हैं, कभी किसी के बारे कुछ नेगेटिव बात नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे, और महिला हो या जो भी हैं सब लोग उनको पसंद करते हैं। जरूर उनमें इंदिरा जी का वही देखते हैं, इंदिरा जी जैसे उनको लगता है। और मैं कहता हूं कि अभी हम हाल ही में कर्नाटका जीते हैं, मध्य प्रदेश भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मुझे दिखाई दे रहा है, और सबको लगता है कि प्रियंका की जगह पार्लियामेंट में है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसकी जिक्र की और बोला कि मैं चाहता हूं कि पार्टी थोड़ा ध्यान दे कि उनको प्रचार के लिए खाली ना इस्तेमाल किया जाए, उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए, वो अपनी बात रखेंगी, बड़े पैमाने पे अपनी बात रखेंगी। वहीं रॉबर्ट वाड्रा से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि वे लगातार मेहनत कर रही हैं, और तो और SPG की सुरक्षा हटाए जाने के बाद उनको और उनके बच्चों को प्रियंका गांधी की काफी चिंता है, लेकिन वे लगातार डटकर लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। प्रियंका के बारे में पार्लियामेंट होने के लिए मैंने इसलिए जिक्र किया था क्योंकि सब कह रहे थे कि आपको राजनीति में आना चाहिए, आपको कदम लेना चाहिए, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको 10-12 साल से देख रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच में, आपको उनको लगता है कि आप जरूर जीत सकते हैं, आप मेहनती आदमी हो, आप जीत सकते हैं। तो पर मैं हमेशा उनको ये बोलता हूं कि मैं गांधी परिवार के सदस्य होने की वजह से राजनीति में नहीं आना चाह रहा हूं, मैं अपनी मेहनत से आऊंगा और जो भी क्षेत्र मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसमें बदलाव होना चाहिए, उसमें प्रगति होनी चाहिए, और जो भी मैं सीखा हूं गांधी परिवार से तो मैं उनके लेगेसी में कुछ और एडिशन और अच्छा कुछ करना चाह रहा हूं। तो पर मैंने कहा उसका समय मुझे मैं नहीं बोल सकता हूं कब आएगा, पर मुझे लगता है कि मेरे राजनीति में आने से पहले प्रियंका को वहां होना चाहिए, उनकी जगह पार्लियामेंट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।